अभी कैनवस कैसे काटना है वो हम देख लेते थे। फोर फोल्डिंग करेंगे, नीचे का अस्तर भी जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा था वो मैंने कट कर दिया। आप लोग जो है पहले से ही आप फोर फोल्डिंग या एट फोल्डिंग करके कट कर सकते हो। एक दिन हैंग करने के बाद आपको बेल्ट नहीं लगाना, और आप टाइल्स पे रख के भी कट कर सकते हो। यू कैन कट ऑन टाइल्स ऑल्सो, बट यू डोंट हैव टू अटैच बेल्ट फर्स्ट। यू हैव टू हैंग फॉर 24 आवर्स एंड देन यू कैन कट, यू कैन ट्रिम। आप टाइल्स पे रख के भी आराम से काट सकते हो, उसके लिए आपको बेल्ट नहीं लगाना और 24 घंटे तक लटका के रखना है, जिससे उसकी लेंथ जो है नीचे से निकल जाएगी। इस तरह से हमने 8 फोल्डिंग की है, ये अभी 8 लेयर्स का है। अभी हम इसको 8 फोल्ड करेंगे सेम। टू मीटर कैनवास पेपर वी नीड। ये 4 लेयर हुआ, अभी इसको एक और फोल्ड करेंगे। अब ये भी 8 फोल्ड है और ये भी 8 फोल्ड है, यानी कि 8 लेयर्स है। तो इस सेंटर वाले पार्ट को हम फोल्डिंग वाले पार्ट को फोल्डिंग वाले साइड रखेंगे इस तरह। जो शेप है उसी शेप में हमें कट करना है ऐसे। देखो यहाँ से हम ले लेंगे 4 इंचेस ब्रॉड, 4 इंच इनफ होगा। 4 इंचेस ब्रॉड, 4 इंच कैनवास ही लिया मैंने। थिक कैनवास भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ फैब्रिक ही थिक नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट पे ज़्यादा थिक लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ मैं इस तरह से ये कट कर रही हूँ। ये 8 लेयर्स हैं और प्लस हमारा लहंगे का भी 8 लेयर्स हैं। पिन लगा के भी काट सकते हो बीच में, ताकि हिले ना। मैं अभी हाथ रख के काट रही हूँ। परफेक्ट। चलो अभी हम इसको चिपका देंगे बचे हुए लाइनिंग पे। चारों पार्ट्स को हम अलग अलग कट करेंगे तो भी चलेगा। दोनों के बीच में 1/2 इंच का गैप रखें, क्योंकि हमें नीचे 1/2 इंच मार्जिन चाहिए। देखो यहाँ थोड़ी सी कम गोलाई की शेप आई, थोड़ा मैं मैनिपुलेट कर दूंगी इसको ऐसे। अभी हम सिर्फ नी ऊपर साइड मार्जिन रखेंगे, ये वाला साइड हमारा लहंगे में जॉइंट होगा। यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी मार्जिन के साथ ही कैनवास काटा है, नीचे साइड भी हम हल्का हल्का मार्जिन ले लेंगे। देखो सारे राउंड शेप में रेडी है, जहाँ से नहीं चिपका है वहाँ मैं थोड़ा और चिपका लेती हूँ। चारों पीसेस मैंने काट लिए और चारों पीसेस को मैं ज्वाइन कर रही हूँ सही शेप में रख के। देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये नीचे वाला पार्ट है जो ज्वाइन होगा लहंगे में, और ये ऊपर वाला पार्ट है। इसको नीचे आप ज्वाइन कर दोगे ऐसे हो जाएगा, यहाँ प्लीट्स आएंगे फिर।
ठीक है, इट्स लहंगा जॉइंट पार्ट एंड इट्स अपर पोर्शन, तो चार है कि तीन है? चार है। ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये लहंगा जॉइंट वाला पोर्शन है, इट्स अपर पोर्शन एंड इट्स लहंगा जॉइंट पोर्शन। ठीक है, अभी जहाँ कट की जरूरत है वहां हम कट लगा देते ताकि पलटने में आसानी हो और हमें मार्जिन काटना भी नहीं पड़े। अभी हम आयरन करेंगे इसको फोल्ड करके, फिर हम इसको लहंगे भी लगाएंगे। देखो अभी लहंगा लेंगे हम, लहंगे के नीचे हम लगा रहे हैं। कैनवास वाला पार्ट भले आप नीचे रखो ऊपर रखो तो भी चलेगा, आलपिन लगाए बिना रिस्क नहीं लेना है करने का। आलपिन लगाने में 5 मिनट लगेगा, आलपिन लगाए बिना स्टिच करोगे तो 1 घंटा खुलने में लगेगा। देखो और लूज रखना है, कपड़े को खींचने नहीं देना, शेप में आने देना है, ऐसे नहीं कि ऐसे लंबा खींच के करो, नॉर्मल रखना है फैब्रिक को, लीव फॉर फैब्रिक नॉर्मली लूज लूज अकॉर्डिंग टू शेप, ऐसे शेप सही दिखना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। इसका शेप और लहंगे का शेप मैच होना चाहिए। पिन लगाते रहना है स्ट्रेट एकदम शेप में, क्योंकि फैब्रिक देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर मैं पिन लगाए बिना स्टिच करती तो हो सकता था फैब्रिक कम ज़्यादा हो जाता। आप पहले यहाँ पे एक स्टिच कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हिल रहा है तो। You can make one stitch for pack this. ऐसे इस तरह से मैंने हाफ इंच छोड़ दिया था, अब मैं यहाँ टॉप स्टिच कर लूँ। अभी हम इसको आयरन करके सेट कर देंगे, उसके बाद ही ऊपर की स्टिच करनी है। ऊपर स्टिच नहीं करेंगे हम, हेमिंग या फिर एक बार डबल टेप लगा देंगे क्योंकि स्टिच अच्छी नहीं लगेगी। तो एक बार मैं पहले नॉर्मल आयरन करूँगी उसके बाद फ्यूजिंग टेप लगाऊंगी। देखो इस बार हमारा कैनवास भी नहीं दिख रहा ऊपर, एक बार फ्यूजिंग टेप के बिना आयरन करेंगे क्योंकि फ्यूजिंग टेप लगाने के बाद निकालना आसान नहीं होगा। अगर थोड़ा भी लाइनिंग हमारा बाहर दिखेगा तो लाइनिंग बाहर ना दिखे इस तरह आयरन करेंगे। चलो फ्यूजिंग टेप लगाएंगे। स्लो स्लो आयरन करना है ताकि पूरा अच्छे से चिपक जाए। चलो एक बार अभी लेंथ का देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है नीचे से। कितना फिनिशिंग जैसा लग रहा है देखो। और इस बार हमारा व्हाइट कैनवास भी नहीं दिख रहा। और फ्यूजिंग टेप भी देखो नहीं दिखती है, फ्यूजिंग टेप इनविजिबल हो जाती है चिपकाने के बाद, आफ्टर अटैचिंग फ्यूजिंग टेप विल बी इनविजिबल।
देखो लेवल एकदम सेम लग रहा है, परफेक्ट। देखो नीचे कैनवास की वजह से कितना अच्छा लुक आ रहा है। इसके नीचे आप भले कैन कैन लहंगा भी पहन सकते हो। जो अगर आपको लटकन लगाना है तो वो लटकन आपको इस तरफ लगाना होगा, लटकन एंड डोरी। देखो लेंथ एकदम इक्वल है, हाफ सर्कुलर में इतना फ्लेयर आएगा। अभी हम नेक्स्ट फुल सर्कुलर सीखने वाले हैं।